दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि राइट ब्रदर्स के ऐतिहासिक उड़ान के लगभग 8 साल पहले ही भारत के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया था तो हो सकता है कि आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स हासिल किए गए हैं जिन्होंने आखिरकार यह साबित कर डाला है कि 1895 में एक भारतीय वैज्ञानिक ने हवाई जहाज का फॉर्मूला खोज निकाला था। और यही नहीं, उनकी विमान लगभग 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और फिर जमीन पर अच्छी तरह से लैंड भी की थी। लेकिन इस अविश्वसनीय खोज के बाद भी भारत के उस महान वैज्ञानिक का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में, जिन्होंने हवाई जहाज की कल्पना की और दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1895 में उन्होंने इसका आविष्कार भी कर डाला। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तलपदे के इस हवाई जहाज आविष्कार की पूरी कहानी को डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1864 से, जब महाराष्ट्र के मुंबई में शिवकर बापूजी तलपदे का जन्म हुआ। आगे चलकर उन्होंने सर जमशेद जी बॉय स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की और फिर वहीं पर एक टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाने लगे। हालांकि आगे चलकर उन्होंने वेद विद्या की भी पढ़ाई की और स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को जानने के बाद उन्होंने भारतीय विमान पर काम करने का फैसला लिया और फिर वेद मंत्रों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार मॉडर्न हवाई जहाज का मॉडल तैयार किया और इस हवाई जहाज को 1895 में मुंबई के चौपाटी बीच पर टेस्ट किया गया था और इसका नाम रखा गया था मरुत्सखा, जो कि दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है। पहला मारुत, जिसका मतलब होता है हवा या फिर स्ट्रीम, और दूसरा सखा, जिसका मतलब है फ्रेंड। और दोस्तों मरुत्सखा बेसिकली बांस से बनाया गया एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था जिसके अंदर लिक्विड मर्करी नाम का केमिकल एलिमेंट भरा हुआ था। और कहा जाता है कि यह विमान केवल तभी उड़ सकता था जब मर्करी सूरज की रोशनी में आकर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। और दोस्तों हाइड्रोजन ही वह गैस है जो कि हवा से भी हल्की होती है। साथ ही इस हवाई जहाज के उड़ान भरते समय सैकड़ों आम लोगों के साथ साथ प्रसिद्ध भारतीय जज गोविंद रनाडे, सयाजी राव गायकवाड़ और कई सारे फेमस टीचर्स भी मौजूद थे। हालांकि आगे भी इस हवाई जहाज को और भी सफल बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए और बहुत सारी चीजों पर शिवकर बापूजी तलपदे ने सफलता भी हासिल की। लेकिन स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो जाने की वजह से आगे चलकर वह ज्यादा टाइम इसके रिसर्च पर नहीं दे सके। और फिर इसी बीच मरुत्सखा की उड़ान के 8 साल के बाद 17 दिसंबर 1903 में अमेरिका के कैरोलिना तट पर राइट ब्रदर्स ने भी अपना पहला विमान उड़ाया, जो कि सिर्फ 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा और फिर धरती पर वापस आ टकराया। लेकिन इस उड़ान के लिए राइट ब्रदर्स का नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया और तलपदे, जो कि मरुत्सखा नाम से पहले ही हवाई जहाज बना चुके थे, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। और फिर लंबे समय तक बीमार रहने के बाद से 1916 में शिवकर बापूजी तलपदे ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उनका आविष्कार उनके घर पर सिर्फ बच्चों का एक खिलौना बनकर रह गया। हालांकि बाद में उनके इस आविष्कार को सुरक्षित किया गया और विले पार्ले के एक एग्जीबिशन में दिखाया भी गया। और फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तलपदे के हवाई जहाज से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखा हुआ है। और दोस्तों तलपदे के जीवन के ऊपर 30 जनवरी 2015 को एक फिल्म भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था हवाईजादा। हालांकि दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीयों के बहुत सारे खोजों को विश्व स्तर पर दबाया गया है, लेकिन अब भारत जब सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है तब इस तरह के नामों को दबाया न जा सके, यह कोशिश भारतीय सरकार की रहनी ही चाहिए। उम्मीद करते हैं कि तलपदे और उनके बनाए हुए पहले हवाई जहाज मरुत्सखा की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।